सबसे पहले तो दोस्तों वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तो आज हमारे सामने खड़ी है टाटा सिग्ना 4923 और आज हम जो है इस गाड़ी का रिव्यू करेंगे। तो जैसा कि मेरा मानना है कि टाटा की किसी भी गाड़ी को किसी भी तरह के इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि टाटा जो है अपने नाम से ही बिकती है और ये गाड़ी भी उसी चीज़ का एक एग्जाम्पल है। और ये गाड़ी ट्रेलर सेगमेंट में बहुत ही ज़्यादा मशहूर है और काफ़ी ज़्यादा बड़ी ट्रेलर सेगमेंट में ये गाड़ी फ़िलहाल मार्केट में डाली जा रही है। तो आज हम इस गाड़ी का रिव्यू करेंगे और एज़ यूजली हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे गाड़ी के कैबिन के फ्रंट से। तो आप देख सकते हैं इस गाड़ी में बिल्कुल आपको टाटा के द्वारा सिंपल हेडलाइट्स दी जाती हैं, क्योंकि टाटा विश्वास रखता है कि किसी भी चीज़ को स्टाइलिश बनाने के बजाय उसे स्टीक बनाया जाए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हनी कॉम ग्रिल आपको देखने को मिलेगी, कोई भी क्रोम वर्क इसमें आपको नहीं हुआ देखने को मिलेगा। और गाड़ी जो है नागालैंड नंबर है और मिरर हैंडल्स और मिरर वाइपर्स आपको इस क्वालिटी के दिए जाते हैं और ऊपर आपको दो मिरर के ऊपर लाइट्स दी जाती हैं। और इस साइड आप देख सकते हैं सिग्ना का लोगो और BS4 ये गाड़ी है और डोर के ऊपर भी आपको इस गाड़ी का मॉडल नंबर मेंशन कर दिया हुआ है। और ये गाड़ी फिलहाल बिल्कुल नहीं है, तो चलिए अब हम इस गाड़ी की साइड की तरफ चलते हैं। और ऊपर आप देख सकते हैं आपको केवल एक ही मिरर देखने को मिलेगा और अगर आप चाहें तो और भी लगवा सकते हैं, आपको कोई जो है पाबंदी नहीं है। तो चलिए अभी हम थोड़ा सा पीछे हटते हैं और इस गाड़ी को ओवरऑल देखते हैं कि ये गाड़ी किस तरह से हमें देखने को मिलेगी। और आप देख सकते हैं टाटा की गाड़ियां जो है देखने में बहुत सिंपल होती हैं, लेकिन गाड़ियां जो है बहुत ही स्टीक होती हैं। और चलिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आपका प्राइमरी फ्यूल टैंक, सेकेंडरी फ्यूल टैंक अभी इस गाड़ी में इंस्टॉल इन्होंने नहीं किया हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा स्टिपनी के लिए आपको प्लेस दी गई है और यहाँ पे आपका ट्रेलर का हुक जाएगा। और गाड़ी में अपोलो के टायर्स जो है लगे हुए हैं, अपोलो इंड्योरेंस टायर्स लगे हुए हैं। और चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं गाड़ी में आपको जो है बैकलाइट भी बिल्कुल सिंपल दी गई है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि टाटा जो है ज़्यादा स्टाइल में विश्वास नहीं रखता, गाड़ी को बिल्कुल सिंपल बनाता है और स्टीक बनाने में ही जो है विश्वास रखता है। और ऊपर आप देख सकते हैं गाड़ी में आपको जो है मेटल के दो गुटके दिए गए हैं जो कि मैंडेटरी है, हर गाड़ी में ही आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंगल बैक विंडो, लेकिन ये बहुत ही इसका साइज़ जो है बड़ा है और पीछे देखने में आपको कोई भी जो है दिक्कत नहीं आएगी। और चलिए अभी हम इस गाड़ी के इस साइड से भी देख लेते हैं। और थोड़ा सा अगर मैं नीचे से आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर इस गाड़ी का ड्राइव शाफ्ट और दोनों एक्सल्स की पैरेलल अरेंजमेंट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको आपका एड ब्लू का टैंक देखने को मिलेगा और गाड़ी में अभी दूसरा फ्यूल टैंक अभी इन्होंने इंस्टॉल नहीं किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दो हैं आपके प्रेशर पाइप्स और एक है आपका इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन और उसके नीचे ही बैटरी का कंपार्टमेंट है और प्रेशर टैंक्स है। तो चलिए अब हम इस गाड़ी के इंटीरियर की तरफ जो है चलते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं गाड़ी में जो प्लास्टिक की क्वालिटी है आपको किस तरह की दी जाती है, बिल्कुल कार लेवल का प्लास्टिक आपको इस गाड़ी में देखने को मिलेगा और बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक आपको आपकी बॉटल रखने के लिए जो है जगह दी गई है और इसके साथ जो छोटा सा कंपार्टमेंट इसमें आपको कोई भी क्लोथ्स वगैरह रख सकते हैं, अपनी गाड़ी को साफ रखने के लिए कोई भी कपड़ा रख सकते हैं। और चलिए अब हम इस गाड़ी के स्पीडोमीटर की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिलेगी आपकी टेम्परेचर गेज और उसके ठीक नीचे ही आपको फ्रंट प्रेशर गेज देखने को मिलेगी और उसके साथ आप देख सकते हैं RPM गेज और स्पीडोमीटर गेज आपको देखने को मिलेगी। और लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको फ्यूल और एक आपको आपका बैक प्रेशर गेज भी आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए अभी हम बाकी की स्विचेस को भी अच्छी तरह से जो है देख लेते हैं। और पहली जो मल्टी फंक्शन स्विच है वो है ये वाइपर स्विच और ये आप देख सकते हैं आपको किस क्वालिटी में देखने को मिलेगी। और इसके वाइपर्स जो हैं 4 लेवल पर आप इसे इन्हें ऑपरेट कर सकते हैं। अभी हम बाकी की स्विचेस के बारे में बात कर रहे थे। इस गाड़ी में आपको दो मोड्स देखने को मिलेंगे और एक है लाइट और एक है हैवी। उसके ठीक नीचे आपको आपका ABS का स्विच दिया गया है और हेडलाइट एडजस्ट करने के लिए एक स्विच दिया गया है। और नीचे के जो स्विचेस हैं वो अभी इस पिक्चर में आपको अच्छी तरह से क्लियर नहीं दिख रहे होंगे, क्योंकि ये शॉट लेने वक्त मुझे थोड़ा सा फोकस का प्रॉब्लम जो है देखने को मिला। और लेकिन मैं आपको बता देता हूँ जो दो स्विचेस हैं वो आपके हेडलाइट स्विचेस और एक टाटा का सेंड हेल्प स्विच है जिससे अगर आपकी गाड़ी कहीं भी ख़राब हो जाती है तो टाटा की आप हेल्पलाइन को बुला सकते हैं। और एक आपका हैजर्ड लाइट स्विच है और आप देख सकते हैं इस गाड़ी में आपको केवल सिंगल ब्लोअर नॉब दिया गया है, क्योंकि इस गाड़ी में AC ऑप्शनल है और इस गाड़ी में जिसमें मैं बैठा हूँ इसमें फ़िलहाल AC नहीं है। और ब्लोअर की क्वालिटी आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया है।
चार्जर के लिए आपको यहाँ पे 12 वोल्ट डीसी आउटपुट दिया गया है, और इस गाड़ी में आपको 9+1 गियर बॉक्स देखने को मिलेगा, और इसका क्लोज लुक आप देख सकते हैं। और इस साइड आप स्टेयरिंग के इस साइड आपको केवल एक सिंगल नॉब देखने को मिलेगी जो गेज है एड ब्लू के लिए, और इसे बिल्कुल जो है अलग ही प्लेस किया गया। और ऊपर आप देख सकते हैं इस क्वालिटी में आपको जो है लाइट दी जाती है, और इस गाड़ी में आपको स्लीपर कैबिन मिलेगा। लेकिन इस गाड़ी में जिसमें अभी मैं बैठा हूँ इसमें इन्होंने सीट्स फिलहाल जो है रिमूव की हुई थी, इसलिए मैंने आपको सीट्स नहीं दिखाई, क्योंकि इस गाड़ी में अभी जो है बेड सीट इंस्टॉल ये लोग कर रहे थे। और चलिए अभी हम इस गाड़ी का ओवरऑल इंटीरियर का एक पिक्चर देख लेते हैं। और इस पिक्चर में आप देख सकते हैं इस गाड़ी में आपको मीडियम सा कलर का एक इंटीरियर देखने को मिलेगा, जो ना ही ज़्यादा डार्क है और ना ही ज़्यादा लाइट है, और इसे मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। और बाकी टाटा की जो भी चीज़ होती है वो बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल होती है। और इस गाड़ी का जो इंटीरियर है और जो डैश और हल्का सा उसे ड्राइवर साइड की ओर जो है प्लेस किया गया है, ताँ जो कि सभी तरह के स्विचेज जो है असेस कर पाए। तो चलिए अब हम बाकी की बातें इस गाड़ी के बाहर चलकर जो है कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी आपने इस गाड़ी को तो अच्छी तरह से देख ही लिया है, अभी हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी के कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन के बारे में। तो इस गाड़ी में आपको देखने को मिलेगा क्यूमिंस का 5.9 लीटर का 230 हॉर्स पावर का इंजन, जो कि आपको इस गाड़ी के नाम से अच्छी तरह से क्लियर हो जाता है। और ये इंजन प्रोड्यूस करता है 850 न्यूटन मीटर्स का मैक्सिमम टॉर्क 1300 से 1800 आरपीएम के बीच। और इस गाड़ी में जो फ्यूल टैंक आपको मिलेगा वो है 400 लीटर्स का। इस गाड़ी में आपको एयर ब्रेक्स देखने को मिलेंगे, एबीएस देखने को मिलेगा, और पावर स्टीयरिंग आपको देखने को मिलेगा। इस गाड़ी में आपको ट्यूबलेस टायर्स और क्रूज कंट्रोल की ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगी, और एसी आपको ऑप्शनल मिलेगा। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशंस। अगर आपको इससे यदि कोई भी स्पेसिफिकेशन जाननी है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप उस लिंक पर जाके और ज्यादा जो है स्पेसिफिकेशन इस गाड़ी के बारे में जो है जान सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी हमने इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में तो बात कर ली, अभी हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी की परफॉर्मेंस के बारे में। तो परफॉर्मेंस में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी के माइलेज के बारे में। तो माइलेज जो मुझे ड्राइवर ने इस गाड़ी के बताया तो वो था 2.5 से 3 किलोमीटर पर लीटर के बीच बीच। और जैसा कि आप जानते हैं ये एक बड़ी गाड़ी है, इसका इंजन बड़ा है, और ये बड़े रोड्स के लिए ही खास तौर से डिजाइन की गई है। तो अगर आप मामूली सी बात है, अगर आप इस गाड़ी को छोटे रोड्स पर चलाएंगे तो इस गाड़ी का जो है माइलेज आपको इतना अच्छा नहीं देखने को मिलेगा, और फिर आप कहेंगे कि ये गाड़ी बेकार है, ऐसा नहीं है। और क्योंकि ये गाड़ी जो है बड़े रोड्स के लिए डिजाइन की गई है, तो आप इसे उन्हीं पर चलाइए तो ये बेहतरीन माइलेज आपको देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें इस गाड़ी के एसी के बारे में, तो जिस गाड़ी की अभी आपने वीडियो देखी जो व्हाइट कलर की गाड़ी थी, उस गाड़ी में फिलहाल एसी नहीं था। लेकिन मैंने पहले भी सिग्ना गाड़ियों में काफी जो है सफर किया है, और उन गाड़ियों का जो एसी है वो बाकी ट्रक्स के मुकाबले जो है बहुत बढ़िया है, कोई ज्यादा एसी में दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा एसी है। और जैसा कि एक ट्रक में होना चाहिए वैसा एसी इस गाड़ी में भी आपको जो है देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें इस गाड़ी के प्राइस के बारे में, तो इस गाड़ी का प्राइस जो मुझे ड्राइवर ने बताया वो था तकरीबन 30 लाख रुपए, बिना किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट के, बिना किसी और चीज के, केला जो है इस गाड़ी का प्राइस था। और क्योंकि ये गाड़ी बिल्कुल नई थी, तो मेरे ख्याल से ये प्राइस जो है बिल्कुल जो है अप टू डेट होगा। तो बस दोस्तों, यही थी इस गाड़ी की जो है परफॉर्मेंस रिव्यू। और इस गाड़ी को आप बहुत ही ज्यादा तरह से मॉडिफाई करा सकते हैं, जैसे कि बाकी टाटा गाड़ियों में आपको देखने को मिलता है। इस गाड़ी के भी आपको एक्सेसरीज की मार्केट में भरमार देखने को मिलेगी। तो आप जैसा चाहे इस गाड़ी को अपनी जरूरत अनुसार जो है बनवा सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है आप कितना पैसा जो है खर्च करना चाहते हैं और कितना आप जो है गाड़ी को अच्छा बनाना चाहते हैं। तो अगर जैसा कि पंजाब में आमतौर पे ही देखा जाता है, गाड़ी में आमतौर पे खंडे लगे होते हैं, फट्टा बॉक्स लगा होता है, और जो है टैंक भी लगा होता है, तो आप देख सकते हैं इस तरह से आप गाड़ी को जो है बढ़वा सकते हैं। और अगर आप गाड़ी में जो है सेकेंडरी फ्यूल टैंक लगवाना चाहें तो आप देख सकते हैं इस गाड़ी में आप लगा देख सकते हैं इस तरह से आप इसका टैंक जो है लगवा सकते हैं, क्योंकि इसके कैबिन और इसकी बॉडी के बीच में थोड़ी सी कम जगह बच जाती है, तो इस तरह से आप जो है थोड़ा सा जुगाड़ लगा सकते हैं। तो बस दोस्तों, गाड़ी के बारे में हमारी ये वीडियो। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस और लेकर आता हूं। क्योंकि जो ये मैं वीडियो बनाता हूं, इन्हें बनाने में काफी ज्यादा जो है मेहनत लग जाती है, क्योंकि मेरे पास कोई अच्छा ज्यादा मोबाइल नहीं है, ना ही कोई मेरे पास माइक है, तो मुझे 2-3 मिनट्स की जो है क्लिप्स को जोड़कर ही ऐसी वीडियो को उन्हें इस वीडियो का जो है रूप देना पड़ता है। और अगर आप सपोर्ट करते हैं तो मुझे कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि जो मेरी मेहनत मैं कर रहा हूं वो किसी ना किसी तरीके से
से जो है काम आती है। और अगर आपको वीडियो हमारी थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह के और भी वीडियोस जो है लेके आता रहूंगा। और अगर आप कोई भी सुझाव देना चाहते हैं कि मैं अपनी आने वाली वीडियोस में ये सुधार करूं और ये बात भी बताया करूं, तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मैं हूं हरप्रीत सिंह और मैं आपको मिलूंगा इसी तरह से हमारी अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। We'll be right back.